वाराणसी के BHU में पढ़ रही छात्रा रुचिका को US की कंपनी ने एक बड़ा सैलरी पैकेज ऑफर किया है। आपको बता दें कि रुचिका मोदी भोपाल की रहने वाली है, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में IIT की छात्रा है। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी विश्वविद्यालय में IIT की बड़ी बड़ी कंपनियां छात्रों की प्लेसमेंट के लिए आई थीं। इस दौरान रुचिका को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने US के लिए 1,34,00,000 सालाना सैलरी पैकेज देकर सिलेक्शन किया है। वहीं रुचिका का कहना है कि उसे इस मौके का काफी समय से इंतजार था और अपनी इस सफलता से काफी खुश हैं। मैं US का रेडमंड ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ एंड डिपेंडिंग लाइक जैसे कि हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है, तो अलग अलग टीम्स हैं। डिपेंड करता है कि मैं कौन से टीम में जाऊंगी, बट हाँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी पिछले एक साल से एंड आई एम हैप्पी कि मुझे फाइनली मिली। वहीं रुचिका ने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है, उससे लड़कियों को बोझ समझने वाली सामाजिक सोच पर भी विराम लग गया है। फारुखाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध हालत में घायल एक छात्रा को कार सवार अज्ञात युवक अस्पताल के बाहर फेंक कर फरार हो गए, जिसके बाद अस्पताल कर्मियों ने पीड़िता की गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती किया और पीड़िता के परिजनों को सूचना दी। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि युवती के सिर और हाथ में चोटें लगी हुई थी और कपड़े भी खून से लथपथ थे। एक बच्ची आई थी जिसका कि सिर में चोट थी और पैर में चोट थी, साथ में उसके कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ था, जिसको कि कुछ अज्ञात लोग छोड़कर इमरजेंसी गेट पर छोड़कर चले गए थे। तो उसकी जांच पर मेडिकल बनाया था उसमें हमने, उसमें सिर में चोट और पैर में चोट दिखाया, साथ में कोई ऐसी वैसी घटना ना घटी हो, इसलिए जांच के लिए महिला डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। फिलहाल पीड़िता को महिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा होगा। देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, जब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछड़ा है तो 1932 में पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही होगी, हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। मुझे आज गोरखपुर में आने का ये पहला मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में जब मैं संगठन का काम करता था और जब मुझे लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी गई थी तो तब भी किन्हीं कारणों से मैं गोरखपुर आने से वंचित रह गया था, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पूज्य योगी जी ने यहां पर आमंत्रित किया और आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज मुझे आप सब लोगों के यहां पर दर्शन करने का मौका मिला।